बलरामपुर नेपाल राष्ट्र से राप्ती नदी में पानी छोड़े जाने के कारण राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर संभावित बाढ़ से बचाव को लेकर जिलाधिकारी श्री अरविंद सिंह के निर्देशन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनमानस के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा प्रदीप कुमार ने बताया कि नेपाल में बारिश के कारण राप्ती नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण वर्तमान में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। ऐसी दशा में संभावित बाढ़ से बचाव को लेकर जनमानस पूरी सावधानी बरते, पुराने जर्जर भवनों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी उफान में राप्ती नदी बह रही है। तो राप्ती नदी के आसपास में जितने भी लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी अंग्रेजी माध्यम प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक BKS कॉन्वेंट स्कूल, सर्वोत्तम किड्स केयर, स्वाभिमानपुरम, तुलसीपुर रोड, बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9415036020। हमारी विशेषताएं खेल की आधुनिक तकनीकों द्वारा कंप्यूटर पर ध्वनि व चित्र, ऑडियो, वीडियो, शैक्षणिक खेल के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था, इन्वर्टर, जनरेटर एवं कैंट आरओ के पेयजल की व्यवस्था, प्रबंधक मृदुला सिंह, सह प्रबंधक अभिषेक प्रताप राष्ट्रहित। लैपटॉप का जमाना है, बस्ते का वजन घटाना है, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।